गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज की। तो देखो, कोलाइडल सॉल्यूशन की चार तरह की प्रॉपर्टीज है। सबसे पहली है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, सेकंड है ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज जिसमें टिंडल इफेक्ट और कलर है, थर्ड है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज और फोर्थ है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। आज के इस वीडियो में हम तीन प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हम बात कर लेते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की। देखो, जिस तरह सॉल्यूशन वाले चैप्टर में आपने देखा कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज हैं जो कि सॉल्यूशन में प्रेजेंट पार्टिकल के नंबर पर डिपेंड करती है। जितना ज्यादा पार्टिकल का नंबर होगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का वैल्यू उतना ही हायर होगा। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का एग्जांपल रिलेटिव लॉरिंग और वेपर प्रेशर समझ सकते हो आप। तो देखो, जिस तरह आप जानते हो कि जो कोलाइडल पार्टिकल है वो ट्रू सॉल्यूशन के कंपेयर में कोलाइडल पार्टिकल में पार्टिकल की रेंज हायर होती है, ठीक है। और जो ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स हैं वो एग्रीगेट होते हैं, एक जगह इकट्ठे होते हैं और हमें कोलाइडल पार्टिकल्स की फॉर्मेशन होती है। तो जब ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल एक जगह एग्रीगेट हो गए, इकट्ठे हो गए, तो क्या हुआ, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो गया। पार्टिकल का साइज तो बड़ा, कोलाइडल रेंज में आया, बट नंबर ऑफ पार्टिकल कम हो गया। तो हम कह सकते हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू भी यहाँ पर कम हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। और उसके अलावा टिंडल इफेक्ट की अगर आप बात करो तो देखो कि कोलाइडल पार्टिकल में जो साइज है पार्टिकल का वो बड़ा होता है, ठीक है। बड़े साइज से जब लाइट की बीम टकराती है बड़े साइज के पार्टिकल से, तो वो बड़ा साइज जो है पार्टिकल का वो उस लाइट बीम को स्केटर्ड कर देता है, वो चारों तरफ फैला देता है, सीधे रास्ते में नहीं जाने देता, वो अपने नॉर्मल ट्रेजेक्टरी से भटक जाती है लाइट और स्केटर्ड हो जाती है ड्यू टू लार्जर साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल। इस लाइट की स्केटरिंग की वजह से क्या होता है कि जो लाइट का पाथ है वो विजिबल दिखने लगता है हमें, अलग अलग रेंज की लाइट जो है वो स्केटर्ड होंगी, तो लाइट का जो ट्रेजेक्टरी है, जो रास्ता है, जो पाथ है लाइट का, वो विजिबल नजर आएगा। दैट्स व्हाई इस इफेक्ट को हमने टिंडल इफेक्ट भी कहा। एक बार देख लेते हैं इसे, कुछ इस तरह से सनलाइट है, ठीक है, लार्जर पार्टिकल का कोलाइडल पार्टिकल है लार्ज साइज का, तो उससे जब नॉर्मल सनलाइट टकराती है तो वो स्केटर कर देता है लाइट को, और ये स्केटरिंग ही रिस्पॉन्सिबल है टिंडल इफेक्ट के लिए, या हम कह सकते हैं कि कोलाइडल पार्टिकल के कलर के लिए भी ये स्केटरिंग रिस्पॉन्सिबल है। कोलाइडल पार्टिकल स्केटर्ड द पासिंग लाइट ड्यू टू देयर लार्जर साइज, स्केटरिंग मेक द लाइट पाथ विजिबल, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। और टिंडल इफेक्ट देखो, आप देख सकते हो किस तरह से, आप अगर दूध और पानी का मिक्सचर लेते हो, एक तो आपने नॉर्मल सोल्यूशन लिया, ठीक है, एक आपने दूध और पानी का मिक्सचर लिया जो कि एक कोलाइडल सोल्यूशन का एग्जाम्पल है। तो जब आप दूध और पानी के सोल्यूशन से आप जब टॉर्च पर इंसिडेंट करते हो, तो उस टॉर्च में, उस टॉर्च का जो रास्ता है आपको सोल्यूशन में टॉर्च जो लाइट है वो आपको जाती हुई नजर आएगी ड्यू टू दिस स्केटरिंग, ओके। अब हम कलर की बात कर लेते हैं, तो इस स्केटरिंग की वजह से ही हमें कोलाइडल पार्टिकल का कलर भी देखने को मिलता है। आप इसे नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं हम। तो स्टूडेंट, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी में हमने टिंडल इफेक्ट देखा, अब हम दूसरी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी देखने चाहिए जिसे हम कलर, जिसे हम कोलाइडल पार्टिकल का कलर भी देख सकते हैं। देखो, जो स्केटरिंग होती है लाइट की वही कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हम कह सकते हैं कि कलर कोलाइडल सॉल्यूशन डिपेंड अपॉन द वेवलेंथ ऑफ स्केटर्ड लाइट। स्केटर्ड लाइट, जो भी लाइट स्केटर्ड होकर हमारे पास आ रही है, उसकी वेवलेंथ पर डिपेंड करता है कि पर्टिकुलर कोलाइड का कलर कैसा होगा। कलर ऑल्सो डिपेंड अपॉन द साइज एंड नेचर ऑफ डिस्पर्स्ड फेस पार्टिकल। डिस्पर्स्ड फेस के पार्टिकल का साइज कैसा है उस पर भी डिपेंड करता है, जितना बड़ा साइज होगा उतनी तेजी से स्केटर्ड करेगा लाइट को। कलर ऑल्सो चेंज विद द मैनर इन विच द ऑब्जर्वर रिसीव द लाइट। जो भी लाइट आपके पास आ रही है या आप लाइट को ट्रांसमिट कर रहे हो, आप किस तरीके से, किस जगह से उस लाइट को रिसीव कर रहे हो, उस पर भी कलर डिपेंड करता है। एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं, अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वॉटर अपियर ब्लू व्हेन गिवन बाय रिफ्लेक्टेड लाइट। जब रिफ्लेक्टेड लाइट, आपके पास मिक्सचर है, ठीक है, पानी का और मिल्क का मिक्सचर है, आपके पास लाइट रिफ्लेक्टेड होकर पहुंचेगी, आप इस तरफ खड़े होकर देखते हो तो मिक्सचर आपको ब्लू नजर आएगा, और उसके अलावा एंड अपीयर रेड व्हेन व्यूड बाय ट्रांसमिटेड लाइट। और जहां से आप ट्रांसमिटेड कर रहे हो, जहां से आप उस मिक्सचर पर लाइट दे रहे हो, आप उस तरफ से खड़े होकर देखते हो तो वो रेड कलर का दिखाई देगा, ठीक है। तो जो कोलाइडल पार्टिकल का नेचर है, उनकी जो वेवलेंथ है, उस पर डिपेंड कर रहा है कोलाइडल पार्टिकल का कलर। अब हम फोर्थ पढ़ लेते हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में ब्राउनियन मूवमेंट। देखो, होता क्या है कि जिस तरह हमने तीन तरह के सॉल्यूशन देखे थे, ट्रू सॉल्यूशन में कोलाइडल जो पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज छोटा होता है, ठीक है, वो अपने बाउंडेड स्टेट में रहते हैं, जबकि
जो सस्पेंडेड जो मिक्सचर्स होते हैं उनमें कुछ बड़े पार्टिकल जो होते हैं वो सस्पेंडेड हो जाते हैं, और एक हमारे कोलोइडल सोल्यूशन थे जिनमें कि ना तो पार्टिकल का रेंज ट्रू सोल्यूशन वाला था ना ही सस्पेंशन वाला रेंज था. देखो सस्पेंशन होगा तो कोलोइडल पार्टिकल क्या होंगे, नीचे सस्पेंडेड हो जाएंगे, ओके बॉटम में सेटल डाउन हो जाते हैं. जबकि आप देखा आपने कोलोइडल सोल्यूशन ब्राउनियन मूवमेंट करते हुए नजर आते हैं, उसके पीछे रीजन यही है, ना तो उनका साइज छोटा है और ना ही इतना बड़ा है कि वो सेटल डाउन हो जाए, तो वह एकदम से जिगजैग की मूवमेंट करते हुए हमें नजर आते हैं. और उस मूवमेंट को हमने ब्राउनियन मूवमेंट नाम दिया, क्योंकि सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन नाम के साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था. जब भी आप कोलोइडल सोल्यूशन अल्ट्रा माइक्रोस्कोप में देखते हो किसी कोलोइडल सोल्यूशन को, तो उसमें प्रेजेंट जो पार्टिकल्स हैं आपको वो जिगजैग मूवमेंट करते हुए नजर आते हैं, उनकी उसी मूवमेंट को हमने ब्राउनियन मूवमेंट नाम दिया है. ओके, ये एक तो कुछ प्रॉपर्टीज थी कोलोइडल सोल्यूशन की. अब मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, जिन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.